ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन हुआ था तब से ये खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था कि खाए ना खाए, तो इस हिसाब से बहुत ही हाइजीन तरीके से बना था और बहुत ही अल्टीमेट आइडिया था ये, तो ये एब्सोल्युटली बहुत चलेगा। हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूँ वाओ रायपुर में। दोस्तों आज हम बहुत ही खास जगह आए हैं और बहुत खास चीज़ बताने वाले हैं, और पहले तो आपको मैं एक कहानी आपको पूरी बताने वाला हूँ। क्या कहानी आज वो स्पेशल गाइस, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग परेशान हैं, खाने की उम्मीद अभी भी पर बरकरार है, रीज़न है क्योंकि खाना खाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाना खाने के लिए ना भाई हमको ज़रूरत भी है ऐसी जगहों की जहाँ पर साफ़ सफाई हो और चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ। हाँ जी, आज हम आए हुए हैं गुपचुप हाउस में, और गुपचुप हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक मशीन जो रहती है गुपचुप की, लाइक आप ले रहे हैं मशीन से यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रॉपर खा सकते हैं। भाई साहब कोई भी साफ़ सफाई वाला टेंशन है ही नहीं, लोगों के दिमाग में ही नहीं आया कि भाई साफ़ सुथरा है कि नहीं है, क्योंकि आप आ सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। अब बीच बीच में ऐसा बोलते रहता हूँ, क्या था भाई लोग मिल जाते हैं, और भाई कैसे हो या भाई, हमारा फॉरेनर टाइप दिख रहा है एकदम। तो भाई सबसे खास बात, यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, लाइक तीखा हो गया, मीठा हो गया, चटपटा हो गया, और सबसे लास्ट में हींग है। मैं एक बार खा के जा चुका हूँ। हेलो बच्चा कैसे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या ट्राई किया आपने? मीठा खाया? हाँ खा लिया। और तीखा? नहीं नहीं, तीखा नहीं खाते और कुछ नहीं खाया। अच्छा मीठा बस खाया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग भी आ रहे हैं, और मतलब क्या ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है दिखा देख सकते हैं, लाइक ये मेरे को मिल गया यहाँ पे 20 रुपए के 6 पीस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है ये, ऐसा ये रखना है इधर, आपने देखा ऐसा, और मेरे को लगे चटपटा खाने का मन, ये हो गया चटपटा, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में निकलेगा, और आपको ऐसा रख के इसको खाना ऐसा। मजा आ गया भाई साहब, रीजन ठंडा निकल रहा है, मशीन से कोई कांटेक्ट नहीं है, मस्त यूं लिया ऐसा लिया और ऐसा लेके जा रहा। इसमें खास बात क्या है? तीन चीज़ें खास बात हैं, समय बच रहा है आपका, भैया और दे दो वाला सिस्टम नहीं है, भैया मेरा समय नहीं आया सिस्टम नहीं है, साथ तो एक बार में खा सकते हैं, साफ़ सफाई का टेंशन नहीं है, प्रॉपर साफ़ सुथरा है, मशीन ऐसी है कि आपको जो मन कर रहा है जैसा मन कर रहा है वैसा खा सकते हैं, आपको तीखा खाना तीखा लीजिए, मीठा खाना मीठा खाइए, चटपटा खाना चटपटा खाइए, हींग वाला फ्लेवर भी है बट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं, मैंने चटपटा खाया और तीखा खाया, और हमारे जो पीछे हमारे जो कैमरा मैन हमारे रोहित जी वो यहाँ पर मीठा खाते हैं, बहुत मीठे इंसान हैं, आप लोग भी खा सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्या ये सब चीज़ें क्यों बताई, रीज़न है साफ सफाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्टलेस है, कम प्राइस है, अच्छी चीज़ है, और मशीन देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, अगर किसी को सेटअप वाले चाहिए उसके लिए भी वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात ये कि साथ साथ नोजल लगे हैं, एक बार में आप 7 लोगों को खिला सकते हो, मैंने तो वाला टेंशन नहीं करता। मैं अभी हम लोग जो जगह है वो न्यू राजेंद्र नगर में आए हुए हैं, कैफेट्री हाउस का मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, कैफेट्री हाउस में ही लगा हुआ है ये भी, और शहर में लगभग 20 से 15 और लगने वाले हैं, तो पूरे शहर के कांटेक्ट में ही आ जाएगा, और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, अच्छी बात ये है। तो सबसे मस्त बात ये अगर आपको वीडियो में देख के अगर लगता है कि भाई आना चाहिए तो एक बार आप लोग ज़रूर आइए, और सबसे खास बात ये भीड़ बहुत है भाई साहब, टाइम टाइम से ही आइएगा, पर ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, टेस्ट बड़ा अच्छा लगा मेरे को और मैंने चटपटे का काफ़ी आनंद ले चुका हूँ मैं। तो भाई चलिए ठीक है। सर नमस्कार सर, तो सर आज आपने ट्राई किया ऑटोमेटिक मशीन से जो गुपचुप जो आपने ट्राई किया कैसा लगा सर? बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, टेस्ट भी अच्छी है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भड़क का भी बढ़िया है, चलेगा बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपने भी ट्राई किया होगा? जी बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा और एकदम क्लीन है। तो आपने कौन सा वाला ट्राई किया, खट्टा मीठा तीखा? मैं खट्टा और मीठा। अच्छा खट्टा मीठे मिजाज भी चटपटा और मीठा, सेहत का भी ध्यान रखना। नहीं नहीं बहुत बढ़िया सर, खट्टे मीठे मिजाज के आप है भी है। चलिए बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे यूथ भी है, बच्चे लोग भी आए हुए हैं, कुछ कुछ छोटे बच्चे भी हमारे साथ। हेलो कैसे हो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कौन सा वाला आपने ट्राई किया, चटपटा तीखा या मीठा? मीठा। मीठा ट्राई किया आपने? तीखा नहीं खाया?
चलो चलो बढ़िया, आपको मजा आया मतलब बहुत ज्यादा? हां चलो बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू, वेलकम। हेलो, हाय ब्रदर, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, आप बताओ। अरे वाह, यहां पे तो कुछ मास्क लगा हुआ है, रायपुर फूड शॉट, ये आगे फूड ब्लॉगर है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहां। और क्या स्पेशल ट्राई किया आपने सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज्यादा मीठा ट्राई किया। मीठा, आप ही मीठे मिजाज के। बढ़िया, एक और बच्चे यहां पे, कैसा लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन हुआ था तब से ये खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था कि खाए ना खाए, तो इस हिसाब से बहुत ही हाइजीन तरीके से बना था और बहुत ही अल्टीमेट आइडिया था ये, तो ये एब्सोल्युटली बहुत चलेगा। केले वाला मसाला भी है। अच्छा, पोटैटो का भी है इसमें। दो तरीके के मसाले इसमें यूज हो रहे हैं, एक ये अपना एक जैनी वाला है और एक आलू वाला है। जी, बहुत बढ़िया। हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक, अब इधर आ जाओ, काट दो। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज्यादा चटपटा और बहुत मजा आया, आप तक लगा तीखा